जैसा कि दोस्तों जानते हैं ओ का आज फाइनल आंसर की आउट हो चुका है तो मैं आप लोगों से एक बात बता बताना जाकर के सबसे पहले तो अपना आंसर की चेक करिए अपने मार्क्स कितने बन रहे हैं और फिर उसके बाद शिफ्ट वाइज आप लोग अपने मार्क्स जरूर इंट्रोड्यूस करिएगा रात तक मैं आपको वीडियो अपलोड करा दूँगा मैं अपने टेलीग्राम में और तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके अभी सर्वे भी कराया हूँ और पता ये चला है कि मॉर्निंग शिफ्ट का मैकेनिकल में पेपर थोड़ा सा आसान था आसान था पेपर एज़ पर द स्टूडेंट्स फीडबैक आफ्टरनून uh, शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ था और सबसे बड़ी बात मॉर्निंग शिफ्ट में मैकेनिकल के वही कन्वेंशनल सब्जेक्ट जो यूज हुई हर एक एग्जाम एक एक में आते हैं उसी से पूछा गया और क्वेश्चन ज़्यादातर से थ्योरेटिकल थे आफ्टरनून uh, शिफ्ट में ये था कि ज़्यादातर से क्वेश्चंस यूजुअल जो एग्जामिनेशंस में आते हैं उससे था क्वेश्चंस लिटिल बिट टफ थे हार्ड पेपर था ये बता रहे बच्चे 60 परसेंट यूमेरिकल था 40-60 का रेशियो था इस तरह का लेकिन पेपर टफ था लेकिन इवनिंग शिफ्ट में ये हुआ था ना इवनिंग शिफ्ट में पूरा का पूरा पेपर का ट्रेंड बदल दिया उन्होंने आ, मतलब कि मैकेट्रॉनिक्स से पूछ लिया उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट से से पूछा जो ज़्यादातर पढ़ती नहीं हैं तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से यही करना चाहता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात अगर लगता है कि आपके अपने शिफ्ट में कितने नंबर बन रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन लेना है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा रात तक मैं आप लोगों के सर्वे के माध्यम से हम आपको जैसा आप लोग कहोगे हालांकि मॉर्निंग से अब कट तो देखो कहीं ना कहीं नार्मलाइज होगा ओवरऑल हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग लेवल पे था तो नॉर्मलाइज होना ही चाहिए बट मॉर्निंग शिफ्ट के लिए कट ऑफ अगर मैं बोलूं 80 से 90 की 80 के आसपास 90 80 के बीच में जनरल कैटेगरी का बाकी अभी देखो मैं मैं आई एम वेरी सॉरी यार कि मैं अभी एग्जैक्ट फिगर डिस्क्लोज कर रहा हूँ वो मैं वीडियो में आपको बताऊँगा ठीक है

वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यू आर द पार्ट ऑफ मैकेनिकल वारियर शो सर आरके सर की मैकेनिकल वारियर्सो के पार्ट है थैंक यू